जेपी सीमेंट रीवा के आदर्श कॉलोनी में मृत अवस्था में मिला युवक पुलिस जांच में जुटी। परिजनों का आरोप, गार्ड ने की हत्या, मामला संदिग्ध, पीएम रिपोर्ट में होगा मौत का खुलासा। बता दें, रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र के नवस्था चौकी अंतर्गत जेपी रीवा सीमेंट कंपनी के आदर्श कॉलोनी में मृत अवस्था में एक युवक मिला है, जिसकी पहचान विकास साकेत उम्र 18 वर्ष निवासी नवस्था के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। वहीं जब इस संबंध में मृतक के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जेपी सीमेंट के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा विकास को लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या की गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर सामने आता है। क्या वाकई में विकास साकेत की जेपी सीमेंट कंपनी के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हत्या की गई है, या फिर घटना का कुछ और ही कारण है, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल नौवस्था पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा है, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। नौवस्था चौकी प्रभारी मनोज गौतम ने बताया कि युवक का शव जेपी सीमेंट फैक्ट्री के आदर्श कॉलोनी में पेड़ के नीचे पड़ा पाया गया था, जिसकी पहचान विकास साकेत निवासी नौवस्था के रूप में की गई है। परिजनों का कहना है कि बीती देर रात 9 बजे सुरक्षा कर्मियों द्वारा युवक को लाठी डंडों से पीट कर मारा गया है। फिलहाल पूरा मामला संदेहास्पद है और इसकी जांच की जा रही है। प्रस्तुत है मृतक के परिजन एवं नवस्था चौकी प्रभारी मनोज गौतम से प्राप्त जानकारी के अंश। और भैया का क्या नाम था? भाई का विकास साकेत नाम था। क्या घटना कैसे हुई, क्या मालूम? घटना हुई है, ये पता नहीं शाम को ये घर से गया है, घर से फिर पता नहीं कहाँ गया। भाई को फोन लगाया, पता नहीं उनके दोस्त कोई बोले आओ थोड़ा काम है, तो ये यहाँ से गए नहर के किनारे, वो पड़ा था बेहोश, लगा कुछ नहीं, पेड़ के नीचे था, महुआ के नीचे, तो उसके लगा कुछ नहीं था, सिर्फ पीछे के अलावा सर में लगा था। हाँ, सर में पीछे, बाकी बोलते पेड़ से गिरा है, लेकिन और खरोंच उसके कहीं नहीं आई, न शरीर में कहीं नहीं सिवाय पीछे के अलावा, सिर्फ नाक से खून और उसको जीभ निकली हुई थी, बस हो गया। कितने बजे घटना हुई? शाम की घटना है, मार के फेंके ये है, काहे की धमकी देते थे हमारे भाइयों को। कौन देता था? हमारे गांव के लोग। कोई नाम है, कोई देता था? हाँ नाम है, तीन लोग हैं, एक लक्ष्मण यादव है, एक पप्पू पप्पू बोलते हैं साकेत है, उसी का लड़का एक नक्का है। कहाँ के रहने वाले हैं सब? वही नवस्था, जेपी नवस्था के हैं। तो तीन लोग हैं हमेशा, हमारे दो भाई हैं, दोनों भाई को मारने की धमकी देते थे, हमारे पापा नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं बहुत पहले, पर उनको हमेशा मारने की धमकी दी जाती थी। चौकी में शिकायत की थी नवस्था चौकी में? वहाँ से कल हम लोग लेके आए यहाँ, वहाँ से टाइम नहीं मिला, 12 बजे की घटना है, उसके बाद आज सुबह गए हैं तो किए हैं। तो ये क्या नाम है जिनका, जो मृतक है जो खत्म हुए हैं, भाई का? आपका? विकास साकेत। आपका? आचल साकेत। अभी सूचना प्राप्त हुई है ग्राम नवस्था थाना चौराहा से, एक विकास साकेत है, पिता श्री स्वर्गीय रामसिया साकेत, इनके भाई आकाश साकेत और उन्हीं के गांव के सुरेश कोल, कल रात को ये उसको महुआ के पेड़ के नीचे घायल अवस्था में पाए थे, जिसको उपचार के लिए लाए थे और अभी सुबह डॉक्टर साहब द्वारा घोषित मृत घोषित कर दिया गया है उसको। अभी इतनी ही जानकारी है, मर्ग जांच में लिया गया है। मृतक है विकास साकेत, पिता रामसिया साकेत। अभी तक जो भी परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, बयान उनका भी हमने पूछा है, पूछताछ किया है, तो अभी स्पष्ट नहीं बताया है कि कौन हत्या किया है, क्या घटना हुई है, ना ही कोई चक्षुदर्शी साक्षी है, इस प्रकार से अभी कोई भी साक्ष्य हत्या के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, उसको जांच में ले रहे हैं, अगर घटना होगी तो फिर हम जांच में देखते हैं।